तो दोस्तों आज हम अनबॉक्स करने वाले हैं रॉयल इनफ्लीट की मिनी बाइक। जी हाँ दोस्तों, ये जो हमारे पास बॉक्स है इसमें है रॉयल इनफ्लीट की मिनी बाइक, जिसे मिनिएचर कहा जाता है। इसकी हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं और इसका हम गिव अवे भी करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, इस बाइक का हम गिव अवे भी करने वाले। जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल पे देख ही चुका होगा कि यार बाइक कैसी दिख रही है और कितनी मस्त अमेजिंग दिख रही है बाइक। जी हाँ दोस्तों, इसे हमने अमेजोन से 1390 रुपये में परचेज किया है और इसका हम गिव अवे भी करने वाले हैं। यार ये बाइक आप में से किसी एक को मिल सकती है, तो इसकी जो भी प्रोसेस है गिव अवे में पार्ट लेने का, मैं वीडियो के बीच में कभी भी बता सकता हूँ। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और मैं इसका गिव अवे जरूर करने वाला हूँ, आप लोगों तक पहुँचाने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, तो हम यार इसे सबसे पहले फटाफट अनबॉक्स कर लेते हैं, फिर देखते हैं कि ये जो बाइक है वो कैसी है। तो दोस्तों अब हम फटाफट अपने बॉक्स को अनबॉक्स कर लेते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर जो हमने मिनी बाइक बुलवाई है वो यार कैसी है और इसका लुक कैसा है। तो यार फटाफट हम इसको यहाँ से कट कर लेते हैं और इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। तो दोस्तों ये हमारा बिल है, इसको हम रखते हैं साइड में। ये ठनान, तो इस बॉक्स को हम रखते हैं साइड में। ये दोस्तों आप लोग देख सकते हैं क्या यार बेहतरीन बाइक है यार ये, यार क्या अमेजिंग लुक आ रहा है दोस्तों, बहुत ही प्यारी बाइक है यार। इसका अमेजिंग लुक है आप लोग देख सकते हैं, येलो कलर में हमारे पास आई है रॉयल इनफ्लीट येलो बाइक मैच्योर 350। तो आप लोग देख पाएंगे यहाँ पे रॉयल इनफ्लीट की ब्रांडिंग है टोटल। तो इसको हम सबसे पहले यहाँ से जो है वो बाहर निकाल लेते हैं, देखेंगे कहाँ से निकलेगा यह बाहर। ये दोस्तों देख सकते हैं आप लोग, ये जो है मिनी बाइक रॉयल इनफ्लीट की मिनी बाइक हमारे पास आ चुकी है। कुछ इस तरीके का इसका लुक है आप लोग देख सकते हैं। तो यार देख सकते हैं आप लोग क्या अमेजिंग बाइक है यार, यार इसकी जो डिज़ाइन है क्या अमेजिंग लग रही है। आप लोग देखेंगे कितनी प्यारी डिज़ाइन है इसकी। इसके जो टायर्स हैं वो भी देखिए मूव कर रहे हैं, काफ़ी अच्छी तरीके से मूव कर रहे हैं, बहुत स्लाइटली और लाइटली मूव कर रहे हैं। ये जो टायर्स हैं यार इसके सॉफ्ट नहीं है, ये थोड़े हार्ड टायर्स हैं, हल्का हल्का सॉफ्ट फील हो रहा है इसमें, पर ये जो है ना हार्ड टायर्स हैं। आप लोग देख सकते हैं ये जो रबर है ऊपर से लगी हुई है, इसको हम निकाल भी सकते हैं और फिर से लगा भी सकते हैं। यार इसमें हमको दोनों तरफ जो है दोनों टायर्स में डिस्क ब्रेक देखने को मिलते हैं, काफ़ी अमेजिंग क्वालिटी इसकी लग रही है हमें, बिल्ड क्वालिटी। ये जो बाइक है मिनी बाइक कहते हैं इसे, जो मिनी बाइक मैच्योर है, तो ये जो है मेटल और प्लास्टिक से बनी हुई है, काफ़ी सॉलिड मेटल और सॉलिड प्लास्टिक से बनी हुई है ये बाइक जो है। आप लोग देख सकते हैं ये जो यूनिक डिज़ाइन के साथ आता है और यूनिक कलर येलो कलर के साथ हमारी रॉयल इनफ्लीट मिनी बाइक यहाँ पे आती है। इसका जो मॉडल नंबर मैच्योर 350 है, इसका स्केल मॉडल ये 1:12 पे काम करते हैं, 1:12 है ये, राइट। तो आप लोग देख सकते हैं रॉयल इनफ्लीट की ये जो बाइक है काफ़ी अमेजिंग स्लीक डिज़ाइन के साथ आती है। इसे जहाँ भी आप लोग यहाँ पर रखेंगे ना तो बहुत बिल्ड क्वालिटी इसकी स्ट्रांग लगेगी आपको और देखने में बहुत ही अमेजिंग लगेगा। आप लोग देखेंगे कि इसका जो स्टैंड है वो भी काम करता है, यहाँ से हम स्टैंड को यहाँ से लगा लेते हैं और कुछ इस प्रकार से हमारी जो बाइक है वो स्टैंड हो जाती है। अरे यहाँ पे खड़ी होने की जगह नहीं मिल रही इसलिए वो अच्छे से खड़ी नहीं हो पा रही है, पर टेबल में आप खड़ी करेंगे तो बहुत अमेजिंग तरीके से टेबल में खड़ी हो जाएगी। आप लोग देख सकते हैं कितनी अमेजिंग तरीके से ये जो है ना स्टैंड करती है यहाँ पर बाइक। तो आप लोग देखेंगे इसकी मैं डिटेलिंग की यदि मैं बात करता हूँ दोस्तों, यदि हम इसकी स्टेयरिंग की बात करते हैं दोस्तों, तो ये जो स्टेयरिंग है ना वो कुछ इस तरीके से मूव कर जाती है दोस्तों। आप लोग देख सकते हैं ये जो है ना दोनों तरफ रोटेट हो जाती है, लेफ्ट और राइट, कुछ इस तरीके से। यार दोस्तों ये जो है ना इसका हैंडल जो है ना इसका थोड़ा सा बहुत लाइट है और बहुत सॉफ्ट है, यदि हम इसके सहारे यदि इसको लेफ्ट राइट करेंगे ना यार ये टूट सकता है, क्योंकि रबर प्लास्टिक का बना हुआ है और ये जो नीचे का है सॉलिड प्लास्टिक से बना हुआ है। आप लोग देख सकते हैं काफ़ी अमेजिंग लगता है यार, इसको हम जो है ना किसी तरीके से भी इस तरीके से चला सकते हैं, आप लोग देखेंगे कितना अमेजिंग लुक आ रहा है ये। यहाँ पे हमको दो मिरर दिए हुए हैं, ये लेफ्ट मिरर और राइट मिरर। ये जो मिरर है ना दोस्तों आप लोग देखेंगे तो यार इसमें ओरिजिनल में दिखता है यार ये मिरर में, राइट। लेफ्ट मिरर तो दिख रहा है, राइट मिरर शायद यहाँ पे निकल चुका है पर वो भी लग जाएगा, तो देखेंगे आप लोग। तो हमने टायर की बात की, यहाँ पे यूनिक डिज़ाइन की बात की है, यहाँ पे आप लोग देखेंगे स्टेयरिंग मिरर और आप लोग देखेंगे यहाँ पे फ्यूल टैंक है, काफ़ी बड़ा फ्यूल टैंक है, येलो कलर का फ्यूल टैंक दे है ये जो फ्यूल टैंक है
इस फ्यूल टैंक की वजह से ये जो हमारी बाइक है इसका जो कलर है बहुत यूनिक लग रहा है, यूनिक डिज़ाइन लग रही है। यहाँ पे जो सीट है यार ये प्लास्टिक की बनी हुई है सीट पूरी, ये रबर या लेदर की नहीं है, ये प्लास्टिक की सीट है। आप लोग इंजन देखेंगे काफ़ी यूनिक इंजन लग रहा है यार, जैसा रियल बाइक में हमको शो होता है ना राइट, उसी प्रकार से पूरा मिनी बाइक है ये, जो रियल में रहता है हमारा रियल रॉयल एनफील्ड में, वैसे ही ये जो मॉडल है इसमें भी सेम दी हुई है। यहाँ पे आप लोग देखेंगे शॉकअप, यार दोस्तों इसके शॉकअप काम कर रहे हैं यार अमेजिंग, ये देख ले सकते हैं आप लोग पीछे के जो शॉकअप्स हैं ना पूरे काम कर रहे हैं ये, पर सामने के शॉकअप की बात करें तो यार यहाँ पे कोई भी शॉकअप नहीं किया हुआ है, केवल डिज़ाइन दी गई है शॉकअप की, पर शॉकअप काम नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो पूरी जो है ना हार्ड मेटल और हार्ड प्लास्टिक की बनी हुई है, स्टैंड से खड़ी हो जाती है। गियर की बात करें तो गियर प्लास्टिक रबर के बने हुए हैं, यहाँ पे कुछ प्लास्टिक और रबर का फील आ रहा है मुझे यहाँ पे, तो ये प्लास्टिक रबर का डिज़ाइन दिया हुआ है और उससे बना हुआ है। और राइट साइड की बात करें तो यहाँ भी सेम कंडीशन है, डिस्क ब्रेक दिए हुए हैं इस गाड़ी पे पूरी। और यार दोस्तों हाँ एक बात मैं भूल गया, इसकी जो हेडलाइट है यार कमाल की हेडलाइट है, आप लोग देख सकते हैं इसकी जो डिज़ाइन है हेडलाइट की काफ़ी अमेजिंग है यार, ये जो यदि हेडलाइट जलती ना तो बहुत अमेजिंग बाइक लगती है हमारी। यहाँ पे हेडलाइट भी दी हुई है और लेफ्ट राइट इंडिकेटर भी दिए हुए हैं दोस्तों, सामने तरफ भी और पीछे तरफ भी यहाँ पे इंडिकेटर दिए हुए हैं, और नंबर प्लेट भी दी गई है जहाँ से आर ये रॉयल एनफील्ड की ब्रांडिंग के साथ आती है कुछ इस प्रकार से। यार दोस्तों ये तो रही इसकी डिटेलिंग की बात थी, तो कुछ इस तरीके से ये जो है रॉयल एनफील्ड हमारी खड़ी हो जाती है बाइक जो है टनान। तो यार दोस्तों अब हम बात करते हैं इसके गिव अवे की, यार दोस्तों इसका मैं गिव अवे करने वाला हूँ, ये जो है आप लोगों में से किसी एक को मिल सकता है। जी हाँ आप लोग दोस्तों आप लोगों में से किसी एक को मिल सकता है, उसके लिए यार आप लोगों को बहुत ही सिंपल है, आपको क्या करना है सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, इस वीडियो को लाइक करना है और एक प्यारा सा कमेंट करना है। दोस्तों 1000 लाइक कंप्लीट होने के बाद मैं किसी एक कमेंट को पिक करूंगा और वही होगा विजेता।